बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो आज आपके साथ बड़ी आसान सी और मजेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज हम बनाएंगे आलू मटर और मूंगरी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मजेदार बनती है और हमारे देसी स्टाइल में कैसे बनाई जाती है हमारे यहाँ, वो आज आपके साथ तरीका शेयर करेंगे। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घी ले लेंगे। घी मैंने डाल दिए हैं और अभी हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज मैंने सब्ज़ लिए हैं, 3 से 4 अदद हम प्याज लेंगे। इसको डाल देंगे बारीक काटे हुए। प्याज को हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। आलू मैंने तकरीबन 1 किलो लिए हैं और 1 ही किलो हमने मूंगफली लिए हैं। मटर भी हमने 1 किलो लिए हैं, मटर भी निकाल लिए हैं। जब तक प्याज हो रहा है लाइट सा ब्राउन, तब तक हमने जो मूंगफली लिए हैं, मूंगफली को मैंने बारीक बारीक काटे हैं, लेकिन फिर भी हम इनको थोड़ा सा दरदरा सा कर लेंगे कुंडी करने की मदद से। कुंडी डंडे की मदद से इस तरीके से हम इसको हल्का हल्का सा दरदरा सा कर लेंगे। काटे तो बारीक है, लेकिन फिर भी जो इस तरीके से अगर दरदरा सा हम कर लें हल्का सा, तो फिर जो रेसिपी है और भी ज्यादा मजेदार बनती है। प्याज भी हम इसी तरीके से साफ साफ देखते रहेंगे और लाइट से ब्राउन कर लेंगे। तकरीबन हो गए हैं। प्याज हमारी लाइट से ब्राउन हो गए हैं और अभी हम इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर। सब्ज मिर्ची हमने ली है, 8 से 10 अदद हमने सब्ज मिर्ची ली है। लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, जो पेस्ट था हमने 1 टेबल स्पून लिया है। लहसुन अदरक और मिर्चों को हमने पेस्ट बना लिया है, इसको डाल देंगे। तकरीबन 2 मिनट हम इसको जो प्याज है उसमें हम भून लेंगे। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं और अभी हम इसमें आधा कप तकरीबन पानी का डालेंगे। अभी हम इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल देंगे। नमक हम डालेंगे 1.5 टीस्पून, 1.5 चम्मच हम नमक का डालेंगे। और 1.5 चम्मच ही हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च। हल्दी 1 टीस्पून, मसाला रेडी हो गया है और अभी हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू हमने जैसा कि आप सालन में डालते हैं, जैसा कि शोरबे वाला सालन बनाते हैं, आप अपने हिसाब से आप निकाल लेंगे आलू।
आलू इसमें हमने डाल दिए हैं और अभी हम इसमें मटर डालेंगे। मटर भी हमें 1 किलो दिए हैं। तो आलू मटर हमने डाल दिए थे, तकरीबन 1 गिलास मैंने इसमें पानी का डाला है। और इसके अलावा जो हमने मूंगे थे, हमने हल्के हल्के से दरदरे किए हैं, ये आप देख सकते हैं, हल्के हल्के से किए हैं, बारीक काटे हुए थे, लेकिन फिर भी इस तरीके से दरदरा करने से टेस्टी बनती है रेसिपी। आलू मटर मूंगे की रेसिपी बहुत ही मजेदार बनती है। और अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके हम इसको पकने लेंगे। अभी हम इसको ढाल देंगे अच्छे तरीके से, हम इसको पकने लेंगे। आलू मटर मूंगे हमने डाल दिया और तकरीबन हमने 1 गिलास पानी का डाला और अभी हमने इसको ढाल के रख दिया है और इसको हम पकने देंगे जब तक इसका पानी ना खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम ढक्कन निकाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और इसी तरीके से हमारी जो आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आलू मटर मूंगे की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, टेस्टी लगती है। आलू मटर तो वैसे ही उनकी रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार बनती है। मटर जो भी जो भी रेसिपी होती है उसमें डलते हैं, तो जैसा कि आलू मटर गाजर होती है रेसिपी होती है, उसमें मटर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। ऐसे ही आलू मटर जो वो मिलते हैं इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, तो आप भी ट्राई करें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और ऐसे ही हम जो हमने आलू मटर डाले हैं, मूंगे डाले हैं, इसको हम इनका हम पानी खुश कर लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसको अच्छे से भून लिया है, पानी इसका खुश्क हो गया है। 1 गिलास हमने पानी का डाला था, जल्दी खुश्क हो गया। हमारी जो हांडी थी आज की रेसिपी आलू मटर मूंगे तकरीबन भून हो गई है। और अभी हमने इसमें डालना है काली मिर्च, जीरा और खुश्क धनिया, इसका पाउडर हमने बनाया हुआ है, तो उसमें जो खुश्क मसाले होते हैं ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसमें मैंने 2 टीस्पून इसमें डालूंगी, जो खुश्क मसाले हैं इसमें 2 टीस्पून डालूंगी, काली मिर्च, जीरा और खुश्क धनिया पाउडर। और इसके अलावा जो सब्जियाँ हैं वो भी आप इसमें ज़रूरत डालें, बारीक कटा हुआ मैं इसमें डाल रही हूँ। सब्जियाँ की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है, तो सब्जियाँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, खुशबू ज़्यादा आती है, टेस्ट ज़बरदस्त आता है। तो अभी हम जो हमारी हांडी है इसको मिक्स कर लेंगे। हमारी जो रेसिपी है तकरीबन बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। 2 मिनट बाद आप इसको डिश आउट कर लेंगे। अभी हम जो हमारी रेसिपी है आलू मटर मूंगे इसको हम डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है।
माशाल्लाह से हमारी आज की रेसिपी बन के रेडी हो गई है और माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त बनी है। बहुत ही प्यारी प्यारी सी खुशबू भी आ रही है, देख के बहुत ही ज्यादा भूख भी लग गई है। तो आप भी ट्राई करिए, ट्राई करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और जिसने अभी तक मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन है उसको भी लास्ट में प्रेस कर लें ताकि जो रोज हमारी वीडियोस हैं वीडियोस में हम मिल सकें, रोज वीडियोस अपलोड करती हूँ आप देख सकें। और इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर हो सके तो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करें। और मिलते हैं ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोज़ के साथ, आपकी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और मिलते हैं ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।